खुद वो उस पे उमल पैरा ना हो, तो उसको तो मुनाफा कहते हैं। हमने इसको पहले एडवाइस दी, ऐसे नहीं खरीद नहीं ली हम, हमसे एडवाइस को खत्म, इसको हम गालियां देंगे खत्म, हमारा ऐसा ही, हम को ना कर रहे हैं सही, हम नहीं कर रहे, तो हमारा तू सही कर कौन रहे हैं। सा आ गया प्राइम मिनिस्टर जो है तेरे को एडवाइस देनी है? टट्टे वहां पे पता नहीं कौन सी कॉफी शॉप में काम कर रहा है, चुप तेरे करना सारे साली, तेरी छिनल चुप हो तू, चुप कर छिनल, एजुकेशन चुप कर है छिनल, तेरे मियाँ ने तुझे चोट के छोड़ दिया, बस चुप चुप, ओ छिनल भाई की मेरे तरह बात मेरे सुनो, सामने भाई मेरी मेरे बात मेरे सुनो, सामने चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, कर तेरे ये मियाँ ने बात तुझे सुनो, फेंक दिया है, हाँ चोट के फेंक दिया, मुझे तेरे मियाँ ने तेरे चोट के फेंक दिया है, जो भी करा हुआ तेरे मियाँ ने मैं तुझे चोट के फेंक दिया है, तेरे मियाँ ने तुझे चोट के फेंक दिया है, यही नुकसान होता है काफिर होने का, चुट जाती हैं, माती माचूत छुड़वा लेती हैं, उसका तो रंडी तुझ जैसी रंडी बन जाती हैं, जैसा कि तू बनी भी है ना फिर, यार उम्मल मोमिनी को क्यों गालियां दे रहे हो, ऐसे ना करो चुप यार। चुप चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल मेरे चुप, बकवास मत कर, से चुप बात चुप कर, करनी लाइफ में आप ना अपने, लाइफ में ना अपने मेरे जैसे से छनाल बात गंडू लाती है यहाँ पे, औरत की इज्जत है इस काम में, चुप ये औरत की इज्जत है इस काम में, चल निकल यहाँ से, चुप मैं तुझे कहूँ ना अभी तेरी गांड चुप, बुला नीचे उठा, तुझ जैसी समझ औरत को ना अपने लोड़े पे हम रखते माली हैं जी लंच मजे पे, लेने तो क्यों अपने निकालना लंच है पे इसको। रखते हैं तुझ जैसी, हाँ वो तो रह रही जैसी हो को अपने लंच पे रखते हैं, अच्छा तुझ जैसी को मेरे अपने मोहम्मद लंच पे भाई रखते हैं, मुझे एक बात तुझ ये जैसे, तुझ बताएं, जैसे अरे 100 जितनी भी है ना जितनी भी है अपने लंच पे रखते हैं साली, ये दोबारा मत बोलना तू कभी मुसलमान, तू कभी मुसलमान नहीं थे भोसड़ी वाली, दो इच्छू तेरी तू कभी मुसलमान नहीं थी, तू कभी बंदी थी बस, तू कभी मुसलमान नहीं थी, तू कभी मुसलमान नहीं थी, मत बोलना कभी दोबारा तू मुसलमान थी, तू रंडी की बच्ची है, रंडी की बच्ची, रंडी की बच्ची है तू, अच्छा ये आप अभी बता जो दो ना तूने यार, जो तूने बोला कब है से ना कि आपका वेट कर रहा तू हूँ, आप बताने बचाएगी वाले आगे थे कि जा वो के, कौन अपने सी डाइट थी जो लंच सिर्फ लड़कियों को पे जवान करती थी और लड़के नहीं जवान होते थे। हाँ रखेगी एक बात आप भाई मुझे ये भी बताओ, एक बात आप मुझे भी बताओ, मैं आपके सामने आ जाऊंगा तो आप मुझे शूट कर दोगे, स्वाब मिलेगा आपको कि नहीं? नहीं हाँ बिल्कुल नहीं पूरे मिलेगा, क्यों मिलेगा मिलेंगे, सवाब, क्यों नहीं मिलेगा, मैं तो इस्लाम छोड़ चुका हूँ। नहीं तो अल्लाह ने ये बोला है कोई भी काफिर मिला पकड़ के मार दो, जंग में बोला था, यही यही तो है ना, यही मेंटालिटी है तुम चूतियों की, समझते हो जो लिखा है उसका अलग मतलब समझते हो तुम लोग, ये नहीं लिखा है किसी भी काफिर को पकड़ के मार दो, ये अल्लाह ने एक जंग में कहा था, अब काफिर तुम्हें कहीं भी मिला उसको पकड़ के मार देना, यार हम में तुम और काफिरों में चूतिए तो फर्क है लोगो, ना, तुम लोग हम तो एक से इस्लाम एक को, चूतिए हम तो लोगो, इस्लाम में से होके निकले ना, हम में और काफिरों में फर्क है ना। जो इस्लाम को क्या मतलब छोड़ इस्लाम दे होके उसे निकले, देख मार दो, या फिर जो इसमें लिखा है चलो उसको छोड़ दो, नहीं इस्लाम ने कहा है 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स कर लो, तुम लोग छोड़ो तो कोई फर्क पड़ता, तुम लोग जब काफिर बनते हो ना उसके बाद जो काफिर होता है ना, हजारों अच्छा काफिर यार हम मुसलमान कौन सा, बनते हैं, यार आपको हाईएस्ट लगता है ग्रोइंग कि हम रिलीजन है हम लोगों एक का, टाइम हम पे ऐसा था कि दुनिया हम में जानते थे कि इस्लाम इस्लाम सच्चा हाईएस्ट है ग्रोइंग और रिलीजन हमने है, इस्लाम को सच्चा जानते हुए छोड़ दिया, आप ये समझते हैं? क्या सच्चा जानते तो तुम लोग छोड़ते क्या, तुम नहीं लोग आप छोड़ते बताएं हो ना, ना, तुम कोई जैसे को लोग पागल छोड़ते हो, होगा कि हजार उसको लोग पता होगा मुसलमान कि होते हैं, यार मरने के हजार बाद काफिर अल्लाह मियाँ मुसलमान कबाब होते हैं, लेके तुम बैठा जैसे जब होगा छोड़ते हो ना, और वैसे ही हमारे कबाब हजार बनाएगा और मुसलमान हम होते पागल हैं, हैं कि हम तुम छोड़ लोग देंगे। देख मुसलमान कितना वीक है, इसको ये भी नहीं पता था कि बीवी को मारने वाली आयत कौन सी है, इसको ये भी पता कि एक कौन सी साइंटिस्ट ने आयत, कौन सी आयत, भगवान बता तरीके बता से क्या बता कौन सी इजाद आयत, किया है, मैं तो कहता हूँ ये नमाज पढ़ता होगा, इसको अलहमदुल्ला का मतलब भी नहीं पता होगा, ये जो अरबी में बड़बड़ करते रहते हैं ना नमाज पढ़ते वक्त, इनको पता भी नहीं होगा ये कौन क्या सी पढ़ते आयत रहते बता हैं। बता कौन सी आयत, तेरे पीछे पड़ा कौन हुआ सी इसकी आयत, कौन सा अरे छोड़ रंडी थोप, की बच्ची अपनी जबान खोल, कौन सी आयत कह रही है तू अच्छा यार तू बता उसको क्यों भाई, गालियां दे माफ रहा है करो बेचारी को, कभी हमको आपने हमको भी तजवी देना के गाली, साथ हमें क्यों कुरान नहीं दे रहा, पढ़ा है, शुरू इतना भाई जो मिसोजिनिस्ट है पढ़ा तू। इस्लाम मैंने ही सिखाना है तुमको, खुद कुरान खोल के पढ़ लो ना, सऊदी अरब में हाँ बैठा है और वहां पे तुझे कुरान तुम भी दोनों जो नहीं नीचे जो लड़के हो ना तुम दोनों को भी हम गाली देंगे, जिस दिन तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहोगे ना, तब तुम लोग चुप बैठे, हम तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहते, इसने गाली दी थी उनको, इसलिए हमने पलट के इसको गाली दी, मोहम्मद को क्यों माने, पूरी दुनिया क्यों माने, तू मान लो क्योंकि ना वो पूरी सबसे दुनिया अजीम को, हस्ती है तुम दुनिया की, मानो ना, दुनिया तुम की मानो सबसे ना, अजीम तुम हस्ती है वो। खुद अच्छा को क्या तो क्या इज्जत अजीम काम है उनके, करते बताएं जरा हमें। हैं कि मोहम्मद को जितनी नमाज इज्जत पढ़ना करते हैं, सिखाया, ये आया तो भी क्या, नमाज पढ़ना तुम्हें ना सिखाया, कल अमन मैं शांति आपको लाना यार दो सिखाया, उठक बैठक मैं आपको सिखा देता हूँ ईमानदारी बनानी, तो सिखाई, इसमें क्या है? ईमानदारी, एक जंग में उनके काफिरों के साथ जंग थी, एक काफिरों के साथ पाकिस्तान जंग थी, कितना वो यार ईमानदार जंग बोले ना यार करते तो उनका, बेहतर होता उनकी ना, कि उम्र जंग सिर्फ, करना बेहतर है या जंग ना करना बेहतर है? जंग ना पाकिस्तान करना कितना बेहतर है क्यों? ईमानदार बोले ईमानदार, तो फूट फूट के दिखती है पाकिस्तान में से, ये भी खुद भी पता नहीं वो पाकिस्तान इस्लामियात के पीरियड में पता नहीं क्या पढ़ाते रहे आपको, आप अभी तक उसी को सच मान के बैठे हुए हैं। नहीं, तुम झूठ लोगों को कुछ ब्रेन वॉश कर दिया, ये हुआ है असल में और कुछ नहीं हुआ, तो आप बहुत हमारा बहुत अन गलत ब्रेन वॉश आता है करें तुम ना, जैसे लोगों समझाएं से, ना हमें बहुत कि गलत कहाँ आता गलत है, है हम, आप बहुत समझा गलत नहीं रहे आता ना, है, आप तो हमें अच्छा गालियां दे मुसलमान रहे हैं, जिस सबको तरह मुसलमान जिस तरह सबको तो पता नहीं फॉलो करना शुरू कर तबरक दिया, होता है। बताओ बस यही बताओ कौन सिखाया है सा ना मुसलमान, इस्लाम में, यही तो सिखाया, गालियां दो दैट्स इट, जो कुछ आपके बारे में बोले जरा सा इस्लाम के सिखाया बारे नहीं में लेकिन उसको तुझ मार जैसा दो, कुछ देना चाहिए, सिखाया नहीं लेकिन तुझ जैसा कुछ देना चाहिए, बात यह है बस, अच्छा तू बता तू कौन सा मसला भाई फॉलो कर रहा है बता, मैं कौन सा मजहब फॉलो कर रहा हूँ या दूसरे भाई से पूछ रहे हैं? भाई कोई मतलब फॉलो नहीं कर रहा हूं,
बल्कि मैं मुसलमान था, आपको नमाज पढ़ के सुनाऊं मैं आपको? मुझसे तेज कोई तो भाई साहब मुझे आप ये बताएं, आपकी उम्र 20 साल के करीब होगी और आपने कभी तजमे के साथ कुरान पढ़ा है? तजमे के साथ पढ़ी है? अपना नेट सही कर लो भाई पहले। भाई आप नमाज पढ़ते हैं? दाढ़ी वाले भाई आप नमाज नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? बिल्कुल पढ़ते हैं। वो जो होती है वो जो बैठ के पढ़ते हैं तहय्यातु लिल्लाह व सलावात, क्या मतलब है इसका? तहय्यात ये हम लोग उसके लिए पढ़ते हैं, अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। उसका मतलब क्या है? अरबी में तो पढ़ते हैं यार, लेकिन उर्दू में क्या होता है ये तो बताएं हमें। उर्दू में ट्रांसलेशन नहीं पढ़ी हमने, हम क्यों पढ़ते? रटे लगाए जा रहे हो तो मतलब ये होता है मैं अल्लाह की शान को बहुत ऊंची मानता हूँ, नमाजों को। ये कब बना मतलब? ये तुमने अपनी अरबी बना ली? हाँ तो तुम बताओ क्या मतलब है? हम सऊदी अरब में नहीं पढ़ते, तुम वो मतलब हमसे पूछ रहे हो, हम तो तुमसे पूछेंगे ना भाई। तुम मत आगे बंद करके तुम बड़बड़ करते हो ना नमाज़, हम तो नहीं पढ़ते। इसने कहा हम जाहिल हैं, इसने कहा इसने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तुम्हें बताओ ना अभी तक बहन चोद एक चीज तूने नहीं बताई है। सारा कुछ आप अंधे अंधे यकीन पे आप तुले हुए हैं और आप दूसरों की बातें कर रहे हैं। नहीं तो हर एक को नहीं पता होता ट्रांसलेशन, तो क्यों आप पढ़ते हैं? आपको पता होना चाहिए ना, आपने अपने अल्लाह मियां को आपने जवाब देना है या आपकी जगह हमने जवाब देना है? इसका मतलब ये नहीं कि गलत है वो, हम नहीं कह रहे हम सब बहुत अच्छे मुसलमान हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम इतना पता हमारे दिल में ईमान है, पता हम मुसलमान हैं भाई साहब। बस बस दैट्स इट, नथिंग एल्स आफ्टर। तो भाई आपके लिए है ना, आपको मुबारक हो आपका रिलीजन। हमें क्यों थोप रहे हो, हम पे क्यों थोप रहे हो? हमें जो रिस्पेक्ट करनी है उनकी, हम नहीं मानते। लेकिन तुम गाली दो, क्यों तू आके यहाँ पे मुझे बोल रहे हैं ना? मैं गाली दूं, मैं जो भी करूँ, तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो? तुम लोग सारा दिन बैठ के हिंदू को गालियाँ देते हो, तुमने बैठ के यहाँ पर अभी उनके उनके गॉड्स को गाली दे दी। नहीं तूने, तू थोप रहा है, तू थोप रहा है, तू मेरी माँ चोदेंगे। गाली अल्लाह मियां को जा रही है, गाली रसूलुल्लाह को जा रही है, रसूलुल्लाह चुप करके बैठे हुए, तुम्हें अभी गुस्सा ही जा रहा है। क्या भोक रहे हो? वो जिनको गाली कही है वो खुद ही निबड़ लेंगे यार, तू एवी क्या मतलब? इनको हूरे चाहिए ना, हूरे ब्राउनी पॉइंटीज पॉइंट्स लेने आए हैं यहाँ पर। मैं जाऊंगा इस्लाम को डिफेंड करने ताकि मेरे को और सवाब मिले, ये सवाब कमाने आया है। शक्ल देखो इसकी, लानत बरस रही है तुम्हारी शक्ल पे, इतनी फिटकार है, इतनी लानत है ना खुदा की, फिटकार फिटकार जिसे कहते हैं। आई मीन तेरे को भी कुतिया ना छो दे, वो भी कहेगी उसका स्टैंडर्ड है। मेरे टट्टे नहीं है, मेरे टट्टे नहीं है, मेरे टट्टे नहीं है। मैली जी आप ड्राइविंग करें, हम इससे बात करते हैं, आप ड्राइविंग करें। मैली जी आप ड्राइविंग, मैं भी जा रही हूँ एक सेकेंड। हाँ बोले बोले बात कर लेती हूँ जी। भाई साहब मेरी बात सुने आप, आपको आवाज आ रही है? बोलो हाँ बिल्कुल काफर हैं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। तो कभी आपने तर्जमे के साथ कुरान नहीं पढ़ा और अहादीस भी नहीं पढ़ी और आपकी उम्र तकरीबन 20 साल की करीब होगी, मैं सही कह रहा हूँ? नहीं बिल्कुल। कितनी उम्र होगी? 25 साल होगी आपकी उम्र। उम्र से क्या करना है आगे टॉपिक में? क्योंकि मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे कितना पढ़ा, अगर आप 20 साल आपकी उम्र है ना, तो हो सकता है ना कि मेरी उम्र जो है ना आपकी उम्र से भी डबल हो, शायद हो सकता है। आप उम्र से कुछ लेना देना नहीं है, हम मुसलमान हैं, हमें ये पता है, खत्म बात। उम्र बस बस। और अगर हमने ट्रांसलेशन के साथ नहीं पढ़ा कुरान तो उसमें लगे नहीं, वो गलत है। वो हमने कुछ पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा, रंडी हंस रही है ऊपर, रंडी हंस रही है। उमर मोमिनीन को यार इस तरह ना कहा करो। अच्छा क्या मोमिनीन का कौन मोमिनीन है यहाँ पे? उमर मोमिनीन आपको पता नहीं है? बड़ी बड़ी ऊंची उड़ान है, क्यों दिख रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मोमिनीन है यहाँ पे, एक से एक रंडी के बच्चे यहाँ पे आए हैं, बताओ कौन है यहाँ पे मोमिनीन? अच्छा देखिए हम में से किसी ने आपको गाली नहीं, और आप देखो गाली पे सब इसकी माँ के बच्चे हैं, हम सब इसकी माँ के बच्चे हैं, सब इसकी माँ के बच्चे हैं। चौंगे ना, मुझसे ज्यादा नहीं चौंगे। अब वो तो तुम लोग हो,
होने ही क्या जरूरत है, वो तो तुम हो, तुम्हारे साथ क्या जरूरत है, साथ और नीच होंगे नहीं, तुम लोग तो हो ही नीच, तुम लोगों से नीचे और कोई है ही नहीं, तुम लोगों से नीचे कोई और है ही नहीं, नीचे ना ऊपर कहीं भी हम लोग कोई भी करीब हुई नहीं हम लोग। ओए सऊदी अरब, मुझे एक बात बताओ, सऊदी अरब ने तो अब रिलैक्स कर दियो सारी चीजें, सऊदी अरब ने तो ये भी कहा वो हदीसों को नहीं मानते, अब क्या करोगे तुम? देखो किसी ने चूतिया बना दिया फिर सौरभ को, हम तो यहाँ पे रह रहे हैं 23 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, हमें तो कभी कुछ ऐसा सुनने को नहीं आया, पता नहीं कौन, क्योंकि तू सुनता नहीं है ना, MBS को सुन ले जरा, अब समझ में आ गया हमें तेरा ब्रेन वॉश कैसा हुआ, अब हम समझ में आ गए, ऐसे कुछ चूतिया ना तू चूतिया बनाया और तू चूतिया बन गई। हाँ वो चूतिया MBS था तुम्हारा जो वहाँ पे वो है किंग, वो था किंग, उसने गलत बोल दिया, ये चूतिया सही है। क्या 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 किंग ने क्या बोला बता सारी, तुझे किसने चूतिया बनाया बता बता बता, हाँ क्या बोला? तो तुम न्यूज नहीं देखते सऊदी अरब में क्या हो रहा है तुमको नहीं पता, तुम्हें कौन सी चूतिया न्यूज सुनने को मिली बताओ जरा, क्या हाँ बताओ सुने हम जरा यार, तुम लोग बताओ इस चूतिये को कुछ पता नहीं है, यहाँ आकर हमसे न्यूज इकट्ठी कर रहे हैं, चूतिया का तो खुदा की हदीस को मानते नहीं, पता नहीं कब हुआ, हमें खुद नहीं पता, हम सऊदी अरब में 23 साल से रह रहे हैं, हमने आज तक नहीं सुना, पूरी दुनिया को ये चीज पता है, इनको ही नहीं पता सिर्फ, मुझे पूरी दुनिया को बात भी बताए, मुझे एक बात आप ये बताएं, मैं राम भगवान को भी गाली देता हूँ तो आप खुश होंगे कि नहीं? नहीं वो लोग अच्छे लोग, उनको गाली बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, नहीं नहीं उनको गाली नहीं देनी चाहिए। तो अभी कह रहा था ये सारे हिंदू अपनी कान उठाकर पूजा करते हैं मूर्तियों की, अभी खुद बोल रहा था गाली दे रहा था, चुत्तड़ इंसान, पूजा करना उनकी गलत, चुत्तड़ इंसान, तो तुम लोग भी तो पत्थर की पूजा करते हो, वो गलत है, लेकिन उनके राम भगवान को भगवान को गाली, अरे तुम लोग भी पत्थरों की पूजा करते हो, उनको गाली दे रहे थे, बस गाली नहीं देनी चाहिए, मत करो अपने दिमाग से, रंडी है ना निकाल दो, हमने बोला था उनका पूजा करना गलत है, हमने ये नहीं बोला था उनका राम गलत है, खतौलिया गलत है, नहीं उनके बुत तोड़ना, उनके बुत तोड़ना जो है ना वो सही है कि नहीं, उनके बुत तोड़ना सही है कि नहीं, क्या क्या उनके बुत तोड़ना सही है कि नहीं, आवाज नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही क्या बोल रहा, मैंने आपको कहा है उनके बुत तोड़ना, उन हिंदुओं के बुत तोड़ना वो ठीक है कि गलत है? नहीं नहीं गलत है, क्यों तोड़े थे उनको समझाना चाहिए, उनको सही रास्ते पे लाना चाहिए, उनको बताना चाहिए ये गलत है पूजा करना, मोहम्मद जी ने जो तोड़े थे बम ने बुत तोड़े थे वो ठीक किया था कि गलत किया था? किसने किसने? तालिबान ने बुत तोड़े थे, उन्होंने बुत तोड़े थे आज से 20 साल पहले, वो उन्होंने ठीक किया कि गलत काम किया था? मुमकिन है कि शायद उस वक्त आप पैदा ही ना हुए हूँ, लेकिन मुझे तरह से याद है, हाँ तो तोड़ दिया होंगे, खत्म बात, यहाँ सऊदी अरब में तो ये बुत बनाने नहीं देते यहाँ पे, तो वो फिर उन्होंने भैया मोहम्मद जी ने तोड़े थे बुत, तो तुम क्या क्या अगेंस्ट जा रहे हो अब, मोहम्मद जी ने तो सारे मक्का में बुत तोड़वा दिए थे, तो भाई जब बुत तोड़ना जो होता है ना, होली प्लेस है मक्का, हम लोग क्या मोमिन है, खुद ही नहीं पता कुछ, उसको कुछ नहीं पता तेरे को, तुझे कुछ नहीं पता, कैसे वहाँ पे बुत होगा बता, कुतिया की बच्ची कैसे होगा वहाँ, हम लोग चूतिये काबा से पहले काबे के अंदर बुत हुआ करते थे, सुनो मेरी बात, काबे के अंदर बुत हुए करते थे, और चुत्तड़ इंसान कोई किताब पढ़ ले जाकर, कोई किताब पढ़ ले सिवाय गालियों के, जाके किताब पढ़ लो, कभी किताब पढ़िए, पता है किताब होती क्या है, पता है किताब होती क्या है, तुम्हारे मोहम्मद ने जाके सारे बुत तोड़े थे काबा में, अपने मोहम्मद के अगेंस्ट जा रहा है खुद ही, वाह जी वाह, और भाई मेरी बात सुनो आप गालियां क्यों निकाल रहे हो? देखो बहलीज ने कोई मर्डर किया है, उसने कोई चोरी की है, उसने कोई करप्शन की है, या कि उसने आपका कोई घर किया है, हमारे मजहब के बारे में उसने उल्टा सीधा बोला, कैसे हम चुप रहे हैं, पहले मुसलमान थी वो, अपना मुसलमान तो ना बोले, माँ की चूती है, मैं तो नहीं बोलती मुसलमान, मैं क्यों गाली दूं अपने आपको, मैंने कब बोला मैं मुसलमान हूँ, तूने बोला तू थी माँ की चूत, तूने कहा था, हाँ तो थी तुम्हें कहते हैं, क्या हिस्ट्री चेंज कर दूँ, मैं हिस्ट्री चेंज कर दूँ, ओ भाई चोर मैं हिस्ट्री चेंज कर दूँ, मादर चोर चल चल यार निकाल के फट जाएगा, थोड़ी देर में से फट जाना, थोड़ी देर में से फट जाना है भाई, इसने अपनी गांड के अंदर बारूद डाल के फट जाना है, कूल डाउन में इसको करता हूँ, आप ड्राइविंग करें, आप इसे आप ड्राइविंग करें, मैं कूल डाउन इसको करता हूँ, आई एम ड्राइविंग डोंट वरी।
अच्छा तो अभी ये मुझे बात बताएं कि देखिए हम जो कादियानी हैं कि हम उनकी तोहीन करते हैं कि नहीं करते हैं। आवाज नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही क्या बोल रहा हूँ। आपको मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? मैं नहीं आपको मेरी आवाज आपकी आवाज मुझे आ रही है, काम की बात में इसको आवाज नहीं आती, ऑफ कोर्स नहीं आई। हाँ तो भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग दूसरों को गालियां निकालते हैं क्या वो अच्छा करते हैं? हम हिंदुओं को गाली निकालते सारा मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है? बाकी जो कादियानी है उनको तो कैसे मिले, ये बाबूबली का कल है, ठीक है? तो उनके साथ दुश्मनियां तो हमने पाली हिंदुओं के साथ, तो मुझे ये पता है ये सब कुछ चाहिए क्या हम बहुत बड़े दुश्मन नहीं है, क्या हम बहुत बड़े अपराधी नहीं है, आप ये मजाक दे सकते हैं? दूसरा आपको नहीं आवाज आ रही, देखो आवाज बहुत हल्की आ रही है आपकी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। बहुत हल्की आपका इंटरनेट लगाओ, तुम्हारे इंटरनेट के आगे हमारा महिला जो है हम गुस्सा निकालते हैं, औरतें हो जाती हैं या भी जानवर होते हैं, हम अपना गुस्सा उनके ऊपर निकालते हैं। क्या है कि आपको मरने सिखाया है, करप्शन किया है, गालियां निकाले जा रहे हो, नकारियां निकाले जा रहे हो आप, ठीक है? हाँ तो हम गलत कर रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हम सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं गालियां निकाल के, हम पे गुनाह आ रही है, अपने कब्र पे अपना अज़ाब ले रहे हैं। आपको तो गालियां नहीं ना निकाल रही, पावरफुल है अल्लाह, इतना पावरफुल है तो वो अल्लाह को निपट देगा। उसको जितनी गालियां देनी ना उसने दे दी थी पहले पिछली वाली, तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो भाई यार? हम भूल जाता तुम भी इसकी तरह काफिर हो। हाँ बताओ, हाँ क्या क्या? हाँ आप आपसे बात करो, देखिए ये तौहीन आपकी कर रही है, अल्लाह की अगर तौहीन कर रही है तो ये तो अल्लाह को मजबूर बता रहा है, वो इतना पावरफुल है, वो दिलों के बेटे एंजल ग्राम स्काई ये आसमान से उतरते हैं, तो वो वेदर नहीं है वो आके खुद निपट ले रैलिश के साथ। मुझे ये बात बताएं, ये बताएं कि नबी करीम जो है वो क्या है हमारे लिए? रहमतुल आलमीन है, हम जो है यहाँ पे रहता हूँ मैं अमेरिका में रहता हूँ, मेरी तो समझ में आ रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा, आपकी समझ वैसी ट्रांसलेट कर मादर चोद, बता क्या बोल रहा है वो, बता। और चल जाके अपनी माँ से ट्रांसलेट करके दिखाएगी तुझको, अपनी गांड में डाल, माँ के अपनी गांड में डाल। नहीं नहीं मैं तुम्हारे ऐसी हरकतें नहीं करती हूँ, थैंक यू वेरी मच। कुछ समझ में आ रहा माँ की चूत तेरी तो हमें क्या बता रही है? ओफो, अपनी माँ की जूत के अंदर क्यों घुसे हुए इतना, हर वक्त अपनी माँ की जूत, अपनी माँ की जूत अंदर घुसा है। नहीं मेरी जूत में तुझे घुसने के लिए ना 10 दफा जन्म लेने पड़ेंगे, फिर भी नहीं घुस सकता तू, समझ में आई ना? तेरी विशेष कभी नहीं पूरी होंगी, समझ रहे हो? 100 लोगों से एक मैं कुत्ते से चुनवा लूं, इससे पहले मैं तेरे से चुनवा दूं, शर्म नहीं है कट्टे ऐसी अपनी? ओए होए 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 कुत्ते का स्पंज अंदर लिया अपने, अब देख कुत्ते का बच्चा पैदा होंगे तेरे, जैसे कि तुम पैदा हुआ, तुम्हारी माँ ने लिया था, तू पैदा हुआ है कुत्ता। नहीं कुत्ते अच्छे होते हैं, तू सुअर है, सुअर की औलाद नहीं ये तू है, वो तू, तू सुअर पैदा हुआ है, ओइंक ओइंक कर अब जाके, ओइंक ओइंक कर रहा है इतनी देर से, इतनी देर से ओइंक ओइंक कर रहा है यार, मुझको तो यहाँ पे गैस टैंक ही नहीं दिख रहा। सुअर की पिल्ली है तू साली, सुअर की बच्ची, सुअर की पिल्ली, सुअर की बच्ची है साली कुत्ते, देख सुअर की पिल्ली होती है अच्छा। देखो भाई आप आवाज नहीं आ रही है, नेट सही करो अपना। यार पता नहीं क्या बात है, मुझे क्यों नहीं आवाज आ रही है, अभी भी कुछ आवाज आ रही है। हेलो, अभी अभी आपको आवाज मेरी आ रही है कि नहीं? हेलो, मुझे तो आपकी आवाज आ रही थी पूरी दफा, हर दफा से आ रही है। हाँ आ रही है, अब सही आ रही है, चलो मैंने वो लगा लिया है, चलो अब बात करते हैं। तो हाँ वो यार बात ये है कि
ये अगर तौहीन कर रही है, ये अल्लाह इतना पावरफुल है, देखो आसमान से वो फरिश्ते भी उतार देता है, तो भाई वो खुद निबड़ लेगा, वो खुद निबड़ लेगा। भाई हमें क्या जरूरत है हम जाके दूसरों के सर उतारे, उनके खून करें, और फिर जाके हम सारी जिंदगी वो जेल जेल की अदालत की पेशियां जो है भुगतते रहे। आपने कभी इस गल सोचा है? ठीक है, अल्लाह पावरफुल है, सब कर लेगा, हमें पता है, लेकिन हमारा भी खून खोल रहा है, तो फिर क्या करें, हम उसको जवाब देंगे? भाई आपको खून को आप कूल डाउन करो ना, आप कूल डाउन करो। आपने कभी पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ी है? पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ी है इस्लाम की? पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ी है आपने? पूरी की पूरी पढ़ी है, लेकिन पूरा याद तो नहीं है हमें, क्योंकि हम इतना अच्छा मुसलमान नहीं है, हम सच बताएंगे। बेहतर है ना, तो इस्लाम के मतलब फिर आप ना बोलें, आप इस्लाम के मतलब बात ही ना करें, आप फिर इस्लाम के मतलब बात ही ना करें। देखो इस तरह से ये देखो जो गलत बोलेंगे उसको हम सही तो बताने का हक है ना हमें, जो हमें पता, तो भाई आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं। आपने खुद कहा है कि तजमे के साथ कुरान आपने भी नहीं पढ़ा, और आप इतने अच्छे मुसलमान भी नहीं है, तो फिर आप इस्लाम को डिफेंड, तो इस्लाम को डिफेंड करने की बात है। अरे सुअर अच्छे होते हैं, तुम जैसे तो बहुत अच्छे होते हैं। सुअर, आई वुड रादर टेक अ सुअर देन यू। सुअर कह रहा हूं तुझे सुअर अच्छे लगते हैं। आई वुड रादर टेक अ सुअर देन यू। तुम तुझे सुअर कह रहा हूं, तू सुअर में मिलकर ये देख। हां नहीं, सुअर आपके लिए गाली होगी ना, मुझे तो गाली लगी नहीं रही है, मुझे तो गाली नहीं लग रही। सुअर तो आपके लिए हराम है, मेरे लिए तो हराम नहीं है ना, मैं क्यों गाली लूं उसको, मेरे लिए तो गाली नहीं है। नहीं तू सुअर है, ये बात है, खत्म बात। मेरे लिए तो गाली नहीं है, मेरे लिए तो गाली नहीं है, बोल दो सुअर मेरे को क्या है। ये देख नीचे देख, तेरा दल्ला आया भाई, तेरा दलाल जो तेरे साथ लिख रहा है तुझे, महलीज लेट मी एंटर यार, मुझे भी मजे लेने हैं इसके भोसड़ी के, तेरे हम मजे लेंगे, गांड मारेंगे तेरी चूती है। ना तो गांड मार रहे हो तुम लोग, एक नंबर की वो ना, गांड मारना हराम नहीं है तुम्हारी रिलीजन में। तुम जैसो।